कम बैक एंड रिलैक्स तेरे कोई बात को पापा ना कोई असर को ना हो, तू आपको जी चला ले, कभी पतो चला गो तो तू हल्ला कर ले, लड़ ले, झगड़ ले, बिलो आपको पापा ना कर ऑल म्यूट करिए ना, ऑल म्यूट और वी कैन कम बैक एंड रिलैक्स. इससे आपका शोल्डर्स आई एम श्योर लूजन अप हुआ है, इससे आपके वेस्ट में भी बहुत फर्क पड़ेगा, जबकि वो तो एक साइड इफेक्ट है इसका, हमें कर रहे हैं शोल्डर्स के लिए, बट हमारी वेस्ट में भी इसका इफेक्ट होता है और इट्स वेरी गुड फॉर आवर वेस्ट आल्सो. जस्ट लोग का घर में लड़ाई होगी, फॉर्म एट फालतू का हो रहा है, इसलिए मैं तो ना कहते पापा ना, ना बोलू ना करू जो बात. एंटी क्लॉकवाइज आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए. यस एंड कम बैक एंड रिलैक्स. So we will do five clockwise, five anti clockwise. Again in a set of three. कोई कुछ बोल रहा चाह रहा है? नहीं आप continue करिए. तो ये हम लोग करेंगे वही same चीज three के set में. Okay? अब तक सबको clear है, मैं आगे बढ़ू? Perfect. तो आज हम लोग ज्यादा concentrate करेंगे. मैं questions last में ले लूंगी सारे एक बार में, अगर सबको problem नहीं है तो. हम लोग अब आज मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगी हमारे जॉ एरिया पे. हमारे को सब 90% लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम रहती है. एग्जैक्टली हम लोग बहुतों को डबल चिन की प्रॉब्लम, और विद एज क्या होता है, वी हैव गेट द टर्टल नेक. टर्टल नेक होता है हमारी नेक ऐसे लूज हो जाती है, स्किन ऐसे लूज होने लगती है. तो आज वी व्हाट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग टुडे इज मोर ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, इट्स द जॉ एंड द नेक. ओके तो दिस पर्टिक्यूलर, सबको मेरी आवाज क्लियर है ना? एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज. परफेक्ट, थैंक यू. हाँ तो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज कॉल्ड जिराफ नेक, जैसे जिराफ की टोन नेक होती है उसके लिए. इसमें हमें क्या करना, आप मुझे एक बार देख लीजिए फिर हम लोग साथ में करेंगे. हमें माउथ को थोड़ा पक्का करना है लाइक दिस, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना है क्योंकि लाइन्स ज्यादा फॉर्म हो जाएंगी. हमें थोड़ा सा पक्का करना है सेल्फी की तरह से. हाँ जी सेल्फी की तरह से. थोड़ा नहीं, सेल्फी में बहुत ज्यादा पाउट करते हैं हम लोग, उतना नहीं करना है, थोड़ा कम करना है. पहले हम लोग 45 डिग्रीज अब पहले देखेंगे, पहले मुंह ऊपर नहीं, पहले देखेंगे फिर अपना मुंह ऊपर करेंगे, और यहाँ हम लोग 5 सेकंड्स रुकेंगे.